बांधी कैसे बांधी तूने पक्कियों के दो मन में रखे चा चलाया तेरी ओ मेरे चेहरे की सुबह जुल्फों के शाम मेरा सब कुछ है प्यार से तेरी नाम नजरों ने तेरी छुआ तू है ये जादू हुआ होने लगे हूँ मैं हसी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। और आज हम बनाने जा रहे हैं बेक विंग्स। सो इसके लिए हम विंग्स लेंगे 12 से 13। आप इन्हें सिरका लगा के वॉश कर लीजिएगा अच्छी तरह, और उसके बाद हम इसमें जो मसाले लगाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हमने 1 टेबल स्पून जो है वो सोया सॉस डाली है और 1 टी स्पून सिरका डाला है और 1 टेबल स्पून मायोनीज डाली है। मायोनीज आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो मसाले डालेंगे मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले इस ब्लैक पेपर 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, हाफ किनोर क्यूब, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर। ये सब इंग्रेडिएंट्स जो है हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। ये देखें हम इसके अंदर जो है ये सारे मसाले जो है वो हमने डाल दिए हैं। अब इसे बहुत अच्छे से हम मिक्स करेंगे। ये देखें अब हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं हम। ये देखें ये अब रेडी है। इसे 20 से 25 मिनट तक जो है आप मैरिनेट करके रख दें एक साइड पे। मैरिनेशन के बाद हम इसे बेक करेंगे विदाउट ओवन। अब हमने सबसे पहले एक पतीला लिया है, उसके अंदर हमने जो है एक स्टैंड रख दिया था नीचे नमक डाल के, और उसके बाद स्टैंड रख दिया था, और उसके बाद ये फॉइल है, इसके अंदर हम सारे अपने विंग्स जो है ना डालेंगे। ये देखें तमाम विंग्स जो है इसके अंदर पूरे आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको फोल्ड कर देंगे, कवर कर देंगे। ये देखें हमने कवर कर दिया। अब हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए जो है ना पकने के लिए रख देंगे। ये देखें हमारे 20 से 25 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे खोल लेंगे। ये देखें बिल्कुल रेडी हैं। आप 20 से 25 मिनट तक के अंदर अंदर इसे पकाएं और ये बहुत अच्छे जो है वो पक जाते हैं। नो ऑयल नो फैट। अब हम इसे ग्रिल करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसे ऐसे ही खा लें या फिर ग्रिल कर लें। ग्रिल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम इसे ग्रिल कर लेंगे। ये देखें आपने जो है ना ये नहीं करना कि आप इसको रख के भूल गए हैं। इसे थोड़ा थोड़ा आपने जो है ना ग्रिल करना है, ज़्यादा नहीं करना, और 2 मिनट के लिए बस इसको ग्रिल करें और ये रेडी है। हमारे बेक चिकन विंग्स जो है वो बिल्कुल से रेडी हैं। आई होप आपको मेरी आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।